आधे गंगा जल आपूर्ति योजना कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, तो जल संसाधन विभाग ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण भी किया। यहां करीब 100 किलोमीटर दूर से गंगा का जल लाया गया है और अब ये गंगा जल राजगीर और आसपास के लोगों की प्यास बुझाएगा। इस योजना की शुरुआत की गई और साथ ही बोधगया में भी होने जा रही है अब इस योजना की शुरुआत। इसके बाद नवादा और फिर पटना में भी इस योजना को लाने की तैयारी है। गंगा जल आपूर्ति योजना को अगले 50 सालों की जरूरत को देखकर तैयार किया गया है। जिस कंपनी ने इसका निर्माण किया है वही इसका मेंटेनेंस भी करेगी। गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ। अब बिहार को मिलेगा जल अमृत। राजगीर में फाउंटेन से निकलती गंगा जल की ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। धारा नए बिहार की तस्वीर है। सदियों पहले गंगा धरती पर आई थी और अब गंगा जल का शुद्ध पानी बिहार के घर घर पहुँचेगा। हिंदुस्तान में गंगा जल आपूर्ति योजना अपने आप में अनोखी योजना है। अभी तक इस तरह पेयजल योजना पूरे भारत में कहीं नहीं है। बिहार में गंगा जल का ये पानी उन जगहों तक पहुंचेगा जहां लोग बूंद बूंद के लिए तरसते थे। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर शुद्ध पानी का सप्लाई किया जाएगा। आपके यहाँ पर राजगीर में सब लोगों को और परिवार में एक एक व्यक्ति जितना भी व्यक्ति है हर व्यक्ति को मिला करके उनको 135 लीटर प्रतिदिन उनको मिलेगा। आप सोच लीजिए कितना पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर से गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान इस योजना को मूर्त रूप देने वाले जल संसाधन मंत्री संजय झा, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। गंगा जल योजना न सिर्फ प्यास बुझाने में असरदार होगी बल्कि बाढ़ की त्रासदी के दौरान ये योजना लाइफलाइन बन सकती है, क्योंकि हर साल 4 महीने तक जब बाढ़ आती है बाढ़ के पानी को इस योजना के तहत बड़े जलाशयों में भंडारित किया जाएगा, जिसके बाद उच्च तकनीक से लेस मशीनों से इस पानी को साफ कर लोगों के घर तक पहुँचाया जाएगा। फ्लड पटर आप समझ लीजिए 4 महीना तो फ्लडेड रहता है, हम उसी बीच में पानी लेंगे और यहाँ पर स्टोर करके रखेंगे और सब 12 महीना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस योजना के तहत राजगीर शहर के 19 वार्डों के करीब 8031 घरों, गया शहर के 53 वार्डों के करीब 75,000 घरों और बोध गया शहर के 19 वार्डों के करीब 6,000 घरों में शुद्ध पेयजल के रूप में हर घर गंगा जल की आपूर्ति की जाएगी। गंगा जल तो आप लोग जो यहाँ के लोग हैं, जो उनको कई प्रकार का संकट रहता था तो उसी के चलते, तो अब तो लोगों को होगा हर घर में बता दिया गया, आपको यहाँ के हर घर में पहुंच जाएगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तरह की योजना पटना में भी जल्द शुरू करने का मन बना रहे हैं। आएगो हम पटना के लिए, मेरे दिमाग में बहुत दिन से पटना में क्यों नहीं हो, तब पटना को तो 12 महीना हो जाएगा वहाँ, कोई दिक्कत है बाद में करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं इसका पूरा मेंटेनेंस सफलता। हाँ, हमारा मन है पटना को भी करेंगे। कल तक जो सपना था आज साकार हो चुका है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल से धन्यवाद दिया। एक एक डिटेलिंग मुझे लगता है प्रॉब्ली इंजीनियरिंग क्षेत्र में ये एक देश में देखने वाला प्रोजेक्ट है जो ये गंगाजल योजना बिहार में लागू हुआ है। आ करके कोई देखे कि इंजीनियरिंग का कितना बड़ा स्वरूप हो सकता है। दक्षिण बिहार के लिए गंगाजल योजना प्यास बुझाने में अहम होगी, जबकि उत्तर बिहार के लिए बाढ़ से निपटने में सहायक। राजगीर से नवजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।